हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी पर। मैं अजीत रॉइट आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अन अकेडमी। आज के सेशन में हम वोकेबुलरी डिस्कस करेंगे, जहाँ हम उसके मीनिंग के साथ साथ उसको याद कैसे करना है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर ज़्यादा वर्ड हम याद नहीं कर सकते, तो विजुअलाइजेशन मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें शब्दों को तोड़ के और उस वर्ड के मीनिंग को उसमें से निकाला जाता है ताकि वो माइंड पे स्ट्राइक कर जाए। और माइंड पे स्ट्राइक इसलिए करवाना है क्योंकि जो हम ट्रिक बनाते हैं उन शब्दों को याद करने में, जो इंटरेस्ट हम पैदा करते हैं उस वर्ड को पढ़ने में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि राइट ब्रेन की डिमांड होती है कि मैं चीज़ों को 90% याद रख सकता हूँ यदि उस चीज़ में इंटरेस्ट आया तो। राइट ब्रेन कहता है ऐसा, उसकी 90% कैपेसिटी होती है चीज़ों को याद करने की, लेकिन लेफ्ट ब्रेन की बहुत कम होती है, लेफ्ट ब्रेन की 10% होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन की वजह से हमें शब्दों को तोड़ करके याद करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेफ्ट ब्रेन अच्छा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेफ्ट ब्रेन अच्छा नहीं होता है, इसलिए राइट ब्रेन का सहारा लेना पड़ता है। अगर दोनों को ही मर्ज करके चले तो बहुत अच्छी बात है। तो राइट ब्रेन की अगर हम बात करें, शब्दों को तोड़ेंगे, उसमें ऐसी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे जो माइंड को स्ट्राइक करे ताकि वो वर्ड ऑन द स्पॉट याद हो। क्लास में सबसे अच्छी बात ये भी है, जो सेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कुछ मतलब सिनेनिम जो होंगे उस वर्ड के, वो कई कई बार क्या होता है, आपको वर्ड बता दिया जाता है, सिनेनिम आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं याद करने के लिए। बट मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि 80% आपको वहीं के वहीं उस शब्द के सिनेनिम भी याद करा दूँ ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पात्र जो हम काम में लेंगे वो सारे काल्पनिक होंगे, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोग जितना टाइम मेरे को देते हो, वीडियो देखते हो, आते हो, रोज़ टाइम आप निकालते हो, जो प्यार आप मुझे दे रहे हो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी बात है कि हमारे जितने भी सिस्टमाइज कोर्स हैं, जो वोकेबुलरी ले लो, एंटोनिम्स ले लो, वोकेबुलरी में सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, राइट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ग्रामर, राइट, इन सारी चीज़ों को सिस्टमाइज प्लस कोर्स पर हम लेके आ रखे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सिस्टमाइज कोर्स आपको प्लस कोर्स प्लस पे ही मिलेंगे अन अकेडमी पर। वहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप अपने सिस्टमाइज कोर्स कर सकते हो, राइट, पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो आप क्लासेस ले रहे हो यूट्यूब पर, कभी हम आपको वोकैब पढ़ा देते हैं, कभी कुछ पढ़ा देते हैं, तो कुछ भी सिस्टमाइज्ड नहीं होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन की यही सबसे अच्छी मतलब खास बात होती है कि वहाँ आप सिस्टमाइज चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप? इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको जो भी एजुकेटर का आपको लेना है, आप कोई भी एजुकेटर सर्च कीजिए, कोई भी कोर्स सर्च कीजिए और आप सर्च करके उस एजुकेटर का कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स को आप चूज कर सकते हैं, राइट। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर सब्सक्रिप्शन में जाना है, जहां आप आरपीएससी का, एसएससी का, यूपीएससी का, अलग अलग तरह का इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ अलग अलग मंथ की आपके सामने प्राइस दे रखी होती है। जैसे 12 मंथ का यहाँ 7,000 दे रखा है, 24 मंथ का 8,400 दे रखा है, और उसमें भी अगर आप ये कुछ प्रोमो कोड आपके सामने दे रखा है लाइव रॉइड, पेमेंट करते समय अगर लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप अगर लगा लेते हो, यूज करते हो, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। जहाँ जो 7,000 का था, वही इस प्रोमो कोड लाइव रॉइड से आपको 6,300 का पड़ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई किसी भी टीचर के नाम से आप कोर्स लेते हो तो उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपको फ्री मिलेंगे। आपको बार बार इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ये सब लेने की जरूरत नहीं, आप एक चूज कर लीजिए कोई भी, बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चले आएंगे पांडवों की तरह। इज दैट क्लियर? यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब है सिस्टमाइज हर एक चीज। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस, जितनी बार चाहो डाउनलोड करो, देखो, राइट, अब मर्जी से नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो
मेरी यहाँ तक ये टाइम देने के लिए, सब प्यार देने के लिए जो आप मेरे लिए दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले क्लास आज के स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं अजीत रॉयड, मेमोरी एक्सपर्ट। आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस और आई हैव टॉट इन मैनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस सो दैट लर्नर्स मे मेक द क्वेट। राइट, आज का पहला शब्द आपका फॉरवेंट। अब आप तैयार हो जाइए, घोड़े कस लीजिए, हम इन सारे शब्दों को विद सिनोनिम याद करेंगे। तो ये आपके सामने पहला वर्ड है फर्वेंट, जिसका मतलब होता है उत्सुक। और मैं इस फर्वेंट में एफ की जगह अगर एस लगा दूं तो ये बन जाएगा सर्वेंट। अगर सर्वेंट उत्सुक ना होना मजा नहीं आता, तो सर्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें उत्सुकता हो, जो उत्सुकता से भरा हुआ हो, उत्सुकता से जो भरा हुआ हो, उत्सुक हो, वार्म हो, हॉट हो। इज दैट क्लियर? हॉट बोले तो गलत वे में नहीं लेना है हमें ना, हॉट यानी कि गर्म नहीं कि मतलब उसमें हमने रोटी रखी और वो मतलब आपने पका ली, ऐसा वाला हॉट नहीं, बोले तो एकदम एकदम चार्मिंग, यू नो व्हाट, अच्छे तरीके से जो काम कर सके, राइट? ईगर सर्वेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ इसका मतलब हो जाता है कि फर्वेंट सर्वेंट, सर्वेंट ऐसा होना चाहिए जो उत्सुकता से भरा हो, उत्सुकता से भरा हो, ये एडजेक्टिव है, उत्सुकता भरी आप इसको कह सकते हो। इज दैट क्लियर? फॉरवर्ड। अच्छा, एक लड़के के पैर में या फेर से पैर बनाने की कोशिश की गई है, जो कि इसका सही लॉजिक नहीं है जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको ये इसी तरह से याद होगा, सर्वेंट फॉरवेंट होना चाहिए। एविड, और यहाँ डी लगा दो, डेविड, जो डेविड है बड़ा उत्सुक है, एविड डेविड। आर्डेंट, आर्डेंट हाँ है ना, बोलो तो ए आर डी, आर डी, ए आर डी, आर डी, आर डी की एंट्री, बोले तो आर डी की जब एंट्री होने वाली थी हम सब बड़े उत्सुक थे, आर डी की एंट्री को लेकर के हम सब उत्सुक थे, हाँ है ना, जेलस भी हो रहे थे। अब ये जेलस कैसे हो सकता है, जरा देखिए क्या है इसका मतलब। सबसे पहले तो बिल्कुल हो सकता है, हार्ट फेल्ट भी हो सकता है इसमें, फर्बिड सिंसियर, मतलब फर्बिड का सिंसियर भी हो सकता है, आर्डेंट आपको मैंने बता ही दिया, एविड मैंने आपको बता ही दिया, ईगर भी इसका है ही है, ईगर, राइट ना, ईगर इसका ही है, राइट ना। और किन किन चीजों के लिए आप उत्सुक हो, कीन, कीन बोले तो किन किन चीजों के लिए आप उत्सुक हो, डेडिकेटेड हो, राइट, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो एविड डेविड बड़ा उत्सुक है, आरडी की एंट्री, आरडी की जब एंट्री हमने देखी तो हम बड़े उत्सुक हो रहे थे, जेलस हो रहे थे। अब जेलस का मतलब तो वो भी है जो आप सोच रहे हैं, तो ये इसके यहाँ इससे भी ये कनेक्टेड है इसके सिनोनिम में। यही तो प्रॉब्लम हमें खा जाती है, क्योंकि हम एक एक अर्थ जब याद कर लेते हैं ना शब्दों का, तो जब सिनोनिम पूछा जाता है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है यही कि वो समझते क्या है और दूसरे वाले का लेते क्या है, तो इसलिए जो उसका सिनोनिम बहुत दिख रहा होता है वो उनसे आ नहीं रहा होता है, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। इज दैट क्लियर? अगला है आपका बहुत ही प्यारा, आगे बढ़ते हैं हम, फर्विट, फर्विट तीव्र उत्साही। इज दैट क्लियर? अभी इससे पहले आपका फर्वेंट हो गया, उत्सुक होना चाहिए, इज दैट क्लियर? ये दो बार यहाँ दे रखा है, राइट, आर्डेंट टॉरिड पैशनेट, ठीक है, और फर्वेंट, अच्छा यहाँ सॉरी मैंने दो बार इसको यहाँ लिख रखा है, सॉरी एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ये दो बार कॉपी हो गया है, सॉरी फर्विट ले लेते हैं। यार मुझे वो वीडियो फिर से दिखाना, मैं बड़ा उत्साही हो रहा हूँ उसको देखने के लिए, मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, कुछ वीडियो ऐसी होती है उनको देखने का बड़ा चाव होता है हमें, है ना। तो मैं इसका यहाँ लिख लेता हूँ, एक प्यारा सा मीनिंग लिख लेता हूँ, क्या गाइस, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसी होती हैं, माथा जब तक ना खा लेना तब तक ये आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, बोले तो बड़ा चाव होता है उनको देखने का, हमें बड़ा उत्साह होता है ना, बड़ा ही उत्साह होता है, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो एफ यार, तो एफ से बनाया आपने फे और ई से बनाया ई और रे, बोले तो यार मुझे फिर से वो वीडियो दिखाना, मैं उसको देखने के लिए उत्साही हो रखा हूँ, आया ना, फिर से मुझे वो वीडियो दिखा उसके लिए मैं उत्साही हो रखा हूँ, आया ना, आरडी की एंट्री देख के मैं उत्साही हो रखा हूँ, आया ना, तोरी आईडी देखने के लिए मैं उत्साही हूँ, तेरी आईडी दिखा यार, है ना, मैं तेरी आईडी देखने के लिए पैशनेट हूँ, आया ना, बड़ा पैशनेट तो आप जानते होंगे, आया ना, पैशन, राइट ना, बोले तो मेरा पैशन जो है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे अंदर तीव्र इच्छा है, मेरे पैशन में के, पैशन तो ऐसा होता है जिसमें तीव्र इच्छा आपकी होती है,
बड़ा चाव होता है, हाँ या ना? तो फिर से वीडियो देखने का मेरे अंदर बड़ा चाव है। आर्डेंट आरडी की एंट्री देख करके हम बड़े उत्सुक हो रहे थे, उत्साही हो रहे थे, हाँ या ना? जोश आ रहा था, पैशन बोले तो हमारे अंदर जोश आ रहा था, ठीक है ना? तो जील इसका हो सकता है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ईगर नेस भी इसका हो सकता है, ओके। एनर्जी जिसमें फायर हो, ठीक है ना, ये सब इसके हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा वर्ड। अगला ले लेते हैं फरवर। अब ये क्या चीज है, अगला वर्ड देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है आपका, और इसका मतलब है व्यग्रता, उत्साह या जोश। बोले तो फेरों पर, एफ ई आर से बना लिया आपने फेरों पर, और वर, जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, उसमें बड़ा उत्साह होता है। शादी हो रही होती है ना बेटा की, तो बड़े जोश में रहता है साहब, क्योंकि पूरी चारों तरफ सब उसी के लिए वहां होते हैं। तो फेरों पे जो वर होता है उसमें बड़ा जोश होता है, हाँ ना? बड़ा जोश होता है। तो फरवरी के आते ही लोगों में उत्साह आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद होली आएगी ना, तो होली खेलने का उत्साह होता है। तो आप यहाँ इसको ऐसे ही कनेक्ट करोगे, आर यू गेटिंग मी और नॉट? आपको ध्यान रखना है कि फिर से, मतलब फेरों पे ऐसा वर होना चाहिए जिसमें जोश हो, उत्साह हो, व्यग्रता हो, झील हो उसके अंदर, आया ना? तो ऐसे बोले तो बिना जोश वाले लोग वहां नहीं होने चाहिए, तो बे ही मन, बोले तो बे ही बे, बिना मन वाले लोग वहां नहीं होने, बे ही मैंस, आया ना? बोले तो वी, यहां से आपने लिया वी ई एच ई, वे ही, और एम ई एन, बोले तो मैन, आया ना? तो बे ही मैन, बोले तो वे ही मैन, वहां मतलब डिजर्व करते हैं शादी करने के लिए वही मैन। तो वही मेंस, वही मैन जिनमें जोश होगा, वही फेरों पर बोले तो वर बनने की, बोले तो रखते हैं, मतलब अधिकार रखते हैं, राइट रखते हैं, राइट। और वो बात अलग है कि शादी के बाद में, फेरों के बाद में वो जोश और उत्साह खत्म हो जाए, लेकिन जब तक दूल्हा दूल्हा जब फेरों पे होता है तो जोश तो रहता है, शादी के बाद जोश खत्म हो जाता है, हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। मेरे सामने भी एक ऐसी घटना घटी थी, एक नवविवाहित जोड़ा था, तो बर्तन की दुकान में झगड़ झगड़ रहा था एक, तो पत्नी कह रही है कि ये वाला स्टील का गिलास लो, पति देव को कहा। पति ने कहा नहीं यार, जरा और बड़ा गिलास लेंगे हम। दुकानदार साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया, लेकिन मैडम जी जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना, मैडम कह रही हैं कि छोटा ही गिलास ले लीजिए। तो पति देव बोले, अरे भैया तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता तो है नहीं, तो मैं इसे मांजूंगा कैसे? ये जोश खत्म हो जाता है शादी के बाद। एक पति जानता है उसकी क्या हालत होती है घर पर, बेचारा एक दुखी पति। चलिए आगे, फैस्टर। जब कोई फास्ट बॉल करता है ना, हम जैसे खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जिनसे खेला ही नहीं जाता, जो हल्की हल्की से कोई बॉल कराता है ना, टप्पा मार, वही खेल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में टप्पा मार खिलाड़ियों को कोई फास्ट बॉल करा दे, स्थिति बिगड़ी, खराब होगी, फोफड़े टूटेंगे, नाक टूटेगी, नाक से खून निकलेगा जो अलग, मम्मी मम्मी करते हुए घर जाएंगे जो अलग। तो फास्ट बॉल तेरे बस में नहीं है, खेलना, स्थिति खराब हो जाएगी, छोड़ दे, हाया ना? तो फेस्टर, बोले तो फास्ट बॉल करना, बोले तो फास्टर बनना स्थिति को खराब करना ही होता है। तो हर काम में फास्टर बनने से कभी कभी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो प्लीज आपको फास्टर बॉल से, आई थिंक, मुझे लगता है बचना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये इसके कुछ है स्थिति का और खराब होना, मैं इसको तरीके से आपको समझा देता हूँ कौन सी स्थिति की बात कर रहा है, है ना? यहाँ इसका जो असली मतलब है वो है सड़ना, है ना? घाव का सन्ना, घाव सड़ना, या कड़वाहट होना, या फिर स्थिति खराब फोड़ा होना, या फिर आप ये कह सकते हो पीप पड़ना, यू नो व्हाट, ये वाली मतलब ये वाला वर्ड है ये। तो ये ऐसे अगर हो जाते तो पहले ही स्थिति खराब रहती है इंसान की, तो पहले 50 दुख दर्दों से गुजर रहा होता है, इधर से फोड़े फुंसी और हो जाते तो स्थिति खराब हो गई ना, आया ना? ठीक है, पीप पड़ना, ठीक है, तो
तो कहने का मतलब ये हुआ, पकाब जिसे कहते हैं ना अपन, हाँ है ना, अल्सर जो होता है, और भाई साहब ये बहुत बेकार वर्ड है, ठीक है ना, तो ये स्थिति को खराब करता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया साहब। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, किसी भी चीज का अन ओपन इंजरी, राइट ना, इंजरी एक कट और सोअर, कोई भी चीज की इंजरी आया ना, बोलो तो ओपन इंजरी जो खुला हुआ घाव दिखता है ना, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं ना, और सोअर, ठीक है ना, किस चीज का, या फिर टू बिकम, कोई चीज इन्फेक्ट हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, उस चीज के लिए भी। इज दैट क्लियर? अब चलिए इसके सिनोनिम देख लेते हैं अपन एक बार फेस्टर के। हम कहेंगे इसको बिकम सेप्टिक। ओ हो, स्पेलिंग गलत, एस ई पहले लिखना है गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एस ई पी टी आई सी, सेप्टिक, ठीक है ना, या फिर यू को बिकम इन्फेक्टेड हो सकता है, ऑप्शन बिकम इन्फेक्टेड, स्थिति का और खराब हो जाना, आया ना, या फिर आप कह सकते हो रैंकल टाइप, RAN, आया ना, कल मेरी रैंक नीचे देख करके स्थिति और खराब हो गई, आया ना, डिके डिके भी कह सकते हो, ठीक है ना, गो बैड भी कह सकते हो, स्पॉइल भी आप कह सकते हो, आया ना, तो ओवरऑल ये इसके हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अगला वर्ड ले लेते हैं यहाँ, फैटेड। कुछ लोगों के फीट और एडी से, फीट जानते हो आप, सर, कुछ लोग तो बोल दिए होंगे तुरंत सर, उनको ध्यान नहीं रहता ना, फीट का मतलब होता है पैर, और यहाँ फीट पैर, और आईडी बोले तो एडी, यहाँ दो चीजें मुझे दूर से दिखाई दे रही है, आराम से दिखाई दे रही है, बोले तो फीट और एडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर और एडी से बहुत बड़ी दुर्गंध आती है, बदबू आती है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं, लड़के लोग क्या, आपने देखा होगा सॉक्स से बहुत ज्यादा स्मेल आती है ना, तो ये उससे रिलेटेड है, फीट और एडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है ना, ये लड़कियां यू नो वो ज्यादातर सैंडल क्यों पहनती हैं, ये शूज क्यों नहीं पहनती ज्यादातर, क्योंकि इनको पता है कि उनके फीट यानी कि एडी में बहुत जल्दी स्मेल बन जाती है, तो वो स्लीपर चप्पल सैंडल इसलिए पहनती हैं कि हवा लगती रहे पैरों को, और जो स्मेल बन रही होती है वो उड़ती रहे, ताकि किसी को मतलब पता ही नहीं चले कि हमारे पैरों में स्मेल भी आती है। आपने कभी नोटिस किया, लड़के लोग जो होते हैं ना, 10-10 15 15 दिन हो जाते हैं सॉक्स नहीं धुलेंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको इतना यकीन है कि हम 15 दिन भी सॉक्स, उन्हीं सॉक्स को अगर हम पहनेंगे, बदबू तो क्या, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक हल्का सा भी मतलब जो बोलते हैं वो एक मिट्टी के तेल की भी आ जाए स्मेल, राइट ना, उनके पैरों, उनके जो सॉक्स होते हैं ना, अरे भाई साहब ऐसी स्मेल आती है उनमें से कि दो चार लोग अगर मतलब दो चार लोग तो गलती से दो चार लोगों में अगर वो उतार दे अपने शूज तो मतलब मर मरा जाए, ऐसी स्थिति होती है। बड़े हंस रहे होंगे ना ये लड़के लोग, है ना, सुन सुन करके, बच्चों आप लड़कों के पैरों से ही ज्यादा स्मेल आती है फीट और एडी से, बुरा मत मानना, सिर्फ याद करने के पर्पस में ये बोल रहा हूँ, यहाँ आपको अपने कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं देना है। इज दैट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मैंने एक डायलॉग मारा है, स्क्वालिड और स्टिंकिंग, जिसका मतलब होता है बदबूदार, ठीक है, हैविंग ए बैड स्मेल, है ना, स्टिंकिंग, ए फीटेड पोर ऑफ वाटर होता है ना, बहुत जो ज्यादा बदबू देता है ना, देखो PUTRID, पुट्रेड, है ना, ओके, और आपका हो गया एक पुट्रेड हो गया, और एक ऑलिड भी होता है, ऑलिड ऑलिड भी होता है, ऑलिड भी होता है, पुट्रेड भी होता है, ठीक है ना, और यहाँ आपके सामने एक ये दे ही रखा है स्टिंकिंग, स्क्वालिड, आया ना, तो ये अच्छा एस वाले में इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्यों, एस वाले हम आगे चल के आपको कराएंगे, एस वाले आगे चल के हम आपको कराएंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि एस वाली सीरीज आ रही है, अभी हम एफ पे चल रहे हैं, तो अभी मैं वो सीन खराब नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो इसके ऐसे में कुछ सिनोनिम छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ओवरऑल फीट और एडी से बड़ी दुर्गंध आती है, बदबूदार, तो आप यहाँ लिख लो दुर्गंध, आया ना, बोले तो बदबू आना, ठीक है, आगे चलिए, अगला वर्ड है आपका बहुत प्यारा फ्यूड। अब ये देखिए इसका प्रोनंसिएशन, ये फूड से रिलेटेड है,
है ना, फूड से रिलेटेड है, राइट। ये आपको लगेगा वैसा ही फूड जैसा। तो एक फूड एक ऐसा होता है जिसका झगड़ा जिंदगी भर चलेगा, लंबा झगड़ा चलेगा, कन्फ्लिक्ट, कलेस, है ना। स्त्री तेरी यही कहानी, स्त्री यानी फीमेल, झगड़ा, कलह का कारण, डिस्कॉर्ड, यू नो व्हाट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फ्यूड, FEUD, फ्यूड जो होता है, भोजन जो है वो पूरे संसार में यही एकमात्र है जो पेट के लिए लंबी लड़ाई जिंदगी भर चलेगी, है ना। तो ये आपको यहाँ हो जाता है, कलेश से रिलेटेड ये वर्ड है, आपको इसका ध्यान रखना है। कन्फ्लिक्ट है ना, क्लेश, क्लैश, है ना, ये देखो CLAS यहाँ सीधा दिख रहा है, स्टेप, डिस्कॉर्ड, झगड़ा, ठीक है। हमारे घर में फूड को लेकर हमेशा कलह मचार है, ता है। अगला ले लेते हैं फिएस्को। फ्री पढ़ाओगे एस को तो आपको असफलता मिलेगी, तो फी से बनाया हमने यहाँ फ्री, और एश को बोले तो ऐश्वर्या को, एश को, अगर आपने एस को फ्री पढ़ा दिया तो आपको बिजनेस में असफलता मिलेगी। कमाओगे किससे? गरीब लोगों के पास देने के लिए है नहीं, जो जिनके पास है उनको आप फ्री पढ़ा रहे हो, तो असफलता ही होगी। ऐसे भैया, सीधी सी बात है, आया ना। तो इज दैट क्लियर? एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको इसके और छोटे से, मुझे थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है ना। ये फ्यूड वाला मैंने आपको यहाँ एक तो ये बता दिया, और मैं आपको कुछ रिकॉल और करा देता हूँ। मैंने इसमें और भी आपको कुछ बताए थे, राइट। ये इनमिटी भी मैंने आपको बताया था, राइट ना। इनमिटी, इनमें इतनी शत्रुता है बस पूछो मत। ये एक मैंने आपको डिस्कॉर्ड बताया था, डिस्को में RD का झगड़ा हो गया, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। क्वारल आपको नॉर्मली आता ही है, अर्ग्यूमेंट ही आपको आता ही है, अर्ग्यूमेंट हो गया, हाँ, या ना। इनमिटी हो गया, कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक बाइकर में झगड़ा हो रहा है, ये मैंने बी में बताया था, मैंने एक बाइकर देखा, उसमें क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, DISPUTE, ठीक है ना। तो ये सब इसके थे, चलो वापस वहीं पहुंच जाओ। तो फ्री पढ़ाओगे एस को तो क्या होगा भाई, फेस को बोले तो असफलता मिलेगी, असफलता, फेलियर, यू नो, फेलर, FALURE, फेल हो जाओगे, हाँ ना, वैनिटी, है ना। फिर इति को वैन खरीद के कैसे दोगे अगर आप अपने बिजनेस में असफल हो गए तो? इज दैट क्लियर और नॉट? तो भैया ध्यान रखना इस बात को, चाहे कुछ भी हो, हाँ ना, चाहे कुछ भी हो, आपको फ्री नहीं पढ़ाना है, ऐश को तो कतई नहीं पढ़ाना है, कमाओगे किससे? इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल डिबेकल, हाँ ना, दिबा है ना, देबा है ना, और बैकल है ना, यहाँ आपको DE बोले तो सीधा सीधा दिख रहा है दीपिका, हाँ ना, और ACLE से बन रहा है अकल, अकल, और मैंने देखा दीपिका को आ गई अकल, एक बार जब वो असफल हुई उसके बाद, असफलता के बाद हर इंसान को अकल आ जाती है, तो डिबेकल बोले तो दीपिका को भी अकल आ गई असफलता के बाद, आया ना, असफलता के बाद, सेम्बल्स, है ना। तो शाम मैंने एक बार आपको एक SHAM बताया था, केवल और केवल ये वर्ड, जिसका मतलब मैंने बताया था तमाशा, आया ना, ठीक है ना। तो घर वालों ने शाम को इतना तमाशा किया, है ना, कि मतलब उसकी असफलता पे इतना तमाशा किया कि वो शाम से सेम्बल्स बन गई, ठीक है ना। तो ओवरऑल SHAMBLES, है ना, जिसका मतलब गड़बड़, घोटाला, ठीक है, गड़बड़, ये सब इसका मतलब होता है, ये इसको कसाई खाना भी कहते हैं अपन, है ना, असफलता, ये इसका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एकदम ये इससे रिलेटेड है, इज दैट क्लियर? फिएस्को का ध्यान रखना है आपको, और फिएस्को का आपको मतलब समझ में आ गया, नाकामयाबी या असफलता, इज दैट क्लियर? चलिए और ले लेते हैं हम एक दो वर्ड, एक वर्ड और ले लेते हैं, फिएट, फिएट गाड़ी जो होती है ना, फिएट गाड़ी को बोले तो, फिएट गाड़ी को बोले तो फ्लैट पे लाने की घर वालों ने आज्ञा दे दी, या फिर ये कह सकते हो फिएट गाड़ी को इंडिया में आज्ञा मिल गई, है ना। एडिक्ट बोले तो डिक्री, है ना, तो उसने डिग्री बोले तो डिग्री कर ली और फिएट गाड़ी ले आया, डिग्री करते वो फिएट गाड़ी लेके आ गया, इज दैट क्लियर? तो फिएट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, याद रखना है, लिख लेना, अगर आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब आज्ञा या आशा, होप से रिलेटेड ये वर्ड है, प्रॉमिस से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है ना। आज्ञा हो गया, हुक्म हो गया, है ना, तो इसका थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है, आज्ञा, हुक्म, ऑर्डर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑर्डर भी आप कह सकते हो, क्योंकि आज्ञा का मतलब ऑर्डर ही होता है, ठीक है, कमांड करना किसी पर, कमांड करना,
ठीक है, ये वही चीज हो गया। आज्ञा देना, देखना तुम डिक्शनरी में, तुम देख के बताओ, आज्ञा देना, हाँ या ना। तो ये डिक्टम, डिक्री मैंने आपको बताया है, बता ही दिया, ठीक है ना, ऑर्डर का ही होता है ये, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, इज दैट क्लियर गाइस। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं हम वापस आपके नए शब्दों के साथ में। आपका ये प्यार बना रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं तो जितने भी लोग ये रोजाना लाइव क्लासेस ले रहे हैं, इनके तो नाम बिल्कुल तरह मेरे को रट चुके हैं, कितने लोग हैं जो मतलब आप लोग मेरी इज्जत रख लेते हो क्लास ले लेके। तो थैंक यू गाइस, खान अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप हमसे पूछ सकते हो। हर किसी को खुश तो हम नहीं कर सकते, बट कोशिश हमारी हमेशा खुश करने की रहेगी आप लोगों को। और फिर से कहूँगा कि सिस्टमाइज्ड जैसी कंडीशन आपकी हो या फिर आपको कोई डाउट है, हमसे पूछ सकते हो। और अनअकैडमी से आप जुड़ें, प्लस सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।